Yes. Now, what I have told you कि I want to change the address of this record कि जिसका phone number 158 है and marks 25 है. Now I want to check two condition. मुझे two condition check करना है. यहाँ पे हमने where equals to एक ही condition check किया marks. Okay. Now I want to change both condition. Two condition simultaneously मुझे दो condition check करवाना है. जिसका phone number 518 है वो plus जिसका marks 25 है वो. Okay. तो I can do also like this. Okay. Update table name student address I want to change to address Chembur. Okay. Sorry. Set लिखना है ना. Yes, student बताओ मुझे मैम आप गलत लिख रहे हो. Mistake होता है मैम से भी. You have to ना मैम की दिस इज रॉन्ग है. अपडेट टेबल नेम सेट एड्रेस इक्वल्स टू चेंबूर वेर. नाउ यू कैन राइट टू कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो. वेर कि जिसका फोन नंबर कॉलम कैसे लिखा है पी एच एन. वेर फोन नंबर इक्वल्स टू 158 एंड मार्क्स इक्वल्स टू 25. ओके. So and you can write and with the conditions के साथ you can write and but column के साथ you have to write the comma आपको लिखना है. ठीक है. This is a difference. याद रखो please note down करो. तो यहाँ पे phone number 158 and marks 25 जिसका phone number 158 and marks 25 है उसका ही record change करना है. उसका ही address change करना है चेंबूर. देखते हैं हुआ है कि नहीं. आ गया इरशाद address उसका चेंबूर जिसका मार्क्स 158 था एंड 25 तो उसका ही ओनली चेंबूर हो गया. ओके. नाउ उसका आईडी आई वांट टू चेंज. उसका आईडी 1 है. आई वांट टू चेंज द आईडी. तो अगेन अब ओके अपडेट एसटीयू स्टूडेंट सेट आईडी इक्वल्स टू 4 आईडी हम लोग देते हैं. ठीक है. सेट आईडी इक्वल्स टू 4 where name equals to Irshad. Okay. Irshad. हो गया. ठीक है. Query. Okay. हो गया Irshad का ID 4. Clear. Okay. Same. हम लोग change कर देते हैं. Wait. कोई बात नहीं. Update. स्टूडेंट सेट आई डी इक्वल्स टू 2 वेर नेम इक्वल्स टू अजय. ठीक है. मैंने उसका भी आई डी 2 कर दिया. ओके. नाउ किसी का भी आई डी सेम नहीं है. नाउ एवरी वन हैज डिफरेंट आई डी 1, 2, 5 फॉर. ओके. सो दिस इज अ अपडेट कमांड. नाउ क्लियर. अपडेट कमांड में कोई डाउट है यू कैन चेक मल्टीपल कंडीशन यूजिंग द एंड यू कैन सेट द मल्टीपल कॉलम्स बट बाय द सेपरेशन थ्रू द कॉमा. ओके. तो ये आपको दो चीज यू हैव टू रिमेंबर एंड नोट डाउन करो. क्लियर. यस और नो. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. यस मैम. यस मैम. तो अपडेट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द और अपडेट द डेटा. Okay, update command is used to update or change the data and alter command is used to modify or change the table structure. So, difference hai alter and update. Alter jo hai wo table structure and update jo hai that is for table data. So you can change the table data. Okay, now select command you know what is the select command. Okay, if you want to retrieve all data so you can write star. If you want to retrieve particular columns name so select and write the column name. Okay, write the कॉलम नेम आई डी कॉमा नेम कॉमा कॉमा करके यू कैन रिटर्न कॉलम्स नेम दैट यू वांट टू. वेर कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन वो भी हमने देखा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर सिटी इक्वल्स टू मुंबई. ओके. वेर सिटी इक्वल्स टू मुंबई जिसका सिटी मुंबई है वो रिकॉर्ड्स क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा. ओके. यस. नाउ सो वेर कंडीशन भी हमको बताएं. नाउ द सेकेंड इज डिस्टिंक्ट कमांड. विच कमांड इज डिस्टिंक्ट कमांड. तो डिस्टिंक्ट कमांड इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. डिस्टिंक्ट कमांड इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. ओके.
मतलब इट विल डिस्प्ले ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स, जो यूनिक रिकॉर्ड्स होगा वो डिस्प्ले करेगा. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, से हमारे उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा है, वेट हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चेंबूर चेंबूर ना हम लोग टू टाइम्स कर देते हैं, वेट अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू, पहले हम लोग चेंज करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, चेंबूर सेट एड्रेस चेंबूर वेर आई डी इक्वल्स टू फॉर, चलो ओके. नाउ चेंबूर चेंबूर डुप्लीकेट है, एड्रेस दो बार एड्रेस है चेंबूर चेंबूर, ओके. तो मुझे जिस एक ही मतलब सिंगल रिकॉर्ड्स आई वांट टू डिस्प्ले, ठीक है. डिस्टिंक कमांड इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट्स है ना वो रिमूव कर देगा, ओके. तो उसके लिए व्हाट इज द क्वेरी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डी आई एस टी आई एन सी टी डिस्टिंक्ट, जो भी कॉलम आपको सिंगल डिस्प्ले करवाना, डुप्लीकेट्स कॉलम आपको डिस्प्ले नहीं करवाना, सिंगल कॉलम यू वांट टू डिस्प्ले, तो सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ओके ओके. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल राइट दिस सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डी आई एस टी आई एन सी टी डिस्टिंक्ट, ओके सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. नाउ एड्रेस डुप्लीकेट है, ठीक है, मतलब टू टाइम्स हो रहा है, बट आपको उसको एक ही टाइम्स सिंगल आपको डिस्प्ले करवाना, ओके. तो यू कैन राइट द कॉलम नेम एड्रेस, ओके सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस, मतलब एड्रेस अगर दो बार कॉमन है तो वो एक ही बार डिस्प्ले करेगा, ठीक है. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस मतलब कॉलम नेम, देन क्या है कॉलम नेम, देन फ्रॉम टेबल नेम, कॉलम नेम देन फ्रॉम टेबल नेम, तो फ्रॉम स्टूडेंट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब एड्रेस तो सिलेक्ट करना है टेबल में से, बट डुप्लीकेट नहीं, जो डुप्लीकेट होगा उसको सिंगल टाइम वो रिटर्न करेगा. तो क्या कौन सा एड्रेस रिपीट हुआ, जेके एच जी वाला जी 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 एंड चेंबूर, ओके. मतलब टोटल कितना एड्रेस है वो डिस्प्ले हुआ इसमें से, डुप्लीकेट वाला डिस्प्ले नहीं करवाया. तो यू कैन यूज विद दिस सिटी, ओके. आपको देखना है कि आपके टेबल में कौन से स्टूडेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करे, तो कौन से सिटीज से आपके उसमें स्टूडेंट है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज डिस्टिंक्ट कमांड कि कितना डिफरेंट डिफरेंट सिटी एंटर हुआ है, ओके. तो ऐसा आपको यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए तो यू कैन यूज द डिस्टिंक्ट कमांड, ओके. यू हैव टू रिमेम्बर द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कमांड डी आई एस टी आई एन सी टी डिस्टिंक्ट, ओके. कभी कभी आपको हमको लगता है ना कि चलो हम लोग देखते हैं हमारे डेटाबेस में कितने स्टूडेंट जो है वो मुंबई से है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू दी पुणे, ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको देखना है तो टू टू बार जितने भी चेंबूर 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 मुंबई 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 ऐसे नहीं, हमको जस्ट इतना ही देखना है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से अवेलेबल है स्टूडेंट हमारे कॉलेज में. तो एट दैट टाइम यू कैन यूज द डिस्टिंक्ट कमांड, ओके. जैसे यूनिक रिकॉर्ड आपको कोई डिस्प्ले करवाना है तो आप उसके लिए डिस्टिंक्ट कमांड यू कैन यूज. क्लियर यस ऑर नो? यस मैम. हाँ ओके प्लीज उसको समझो हर एक क्वेरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, हम लोग मोर क्वेरीज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में, हमको क्वेरीज ही परफॉर्म करना है. तो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको ट्राई करना है डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज यू कैन टेल मी, मैं यहाँ पे टाइप करूंगी तो यू कैन गेट द आइडिया. यस ये सब है. नाउ नेक्स्ट कमांड इज ऑर्डर बाय, द नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज ऑर्डर बाय कमांड, ओके. ऑर्डर बाय कमांड इज यूज टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके. ऑर्डर बाय कमांड इज यूज टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आपको आपका टेबल का जो डेटा है दैट यू वांट टू अरेंज, आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यू कैन डू दैट विद द ऑर्डर बाय कमांड. किससे होगा? ऑर्डर बाय कमांड. तो व्हाट इज द क्वेरी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय नेम, मतलब जो नेम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, ओके. द नेम आपका जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में करके देगा बट बेस्ड ऑन द नेम, ओके. अभी यहाँ पे अभय अजय कोहिनूर इरशाद, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको हम लोग करें तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अभय अजय इरशाद एंड कोहिनूर, वैसे रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, ओके. अगर वी विल रिटर्न द ऑर्डर बाय, ओके. अगर हम लोग ऑर्डर बाय लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में व्हाट विल द रिकॉर्ड्स कैसे आना चाहिए? अभय अजय इरशाद एंड कोहिनूर. डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कैसे आना चाहिए? कोहिनूर इरशाद अजय अभय, ओके. दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आई होप सबको पता है, ओके.
Now I want to return this table. मुझे ये table जो है उसको arrange करना है, ascending order में arrange करना है based on name के base पे. तो I can write the queries. कैसे लिख सकती हूँ मैं queries को? Select star from table name order by name. Okay, order by name. आगे ascending नहीं लिखोगे तो by default वो ascending ही करके देगा. अगर आप उसको by order by name करके आगे descending लिखोगे तो the records will be displayed descending order. चलो हम लोग करके देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. कौन सा टेबल है हमारा? स्टूडेंट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय किसको हमको कौन से बेस में कौन से कॉलम के बेस पे हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में? तो नेम के बेस पे. तो नेम के बेस में हम अरेंज करेंगे. नाउ सी अभय अजय ईशत कोइनू. ओके नाउ आपको उसको अरेंज करना है बेस ऑन नेम के बेस पे बट डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ले रहा है. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा? डिसेंडिंग डीईएससी उतना ही आपको ऐड करना है. डीईएससी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय. क्या लिखना है? ऑर्डर बाय. किसके थ्रू ऑर्डर करना है? नेम थ्रू. अगर डिसेंडिंग चाहिए तो यू हैव टू राइट डीईएससी डिसेंडिंग. ओके डीईएससी हो गया. कोहिनूर इशाद अजय अभय उसके हिसाब से आईडी एड्रेस फोन नंबर मार्क्स ईमेल सब इंटरचेंज हो मतलब चेंज हो गया. तो दिस इज ऑर्डर बाय क्वेरी. विच क्वेरी? ऑर्डर बाय. क्लियर? ऑर्डर बाय क्वेरी क्लियर. Ascending and descending. If you will not write descend ascending or descending specify नहीं करे तो by default जो record है वो ascending order में हो जाएगा. If you want to return the data in descending order, तो descending order के लिए you have to write DESC. But syntax you have to remember student. Please note down. Note down करो. Note down कर रहे हो ना? लिख रहे हो ना सब लोग? Yes or no? Yes ma'am. Okay. ठीक है. Whenever I will ask the query in the lecture, you have to give answer. ठीक है, आपको आंसर पता होना चाहिए. आपको आंसर देना ही देना है क्योंकि एक एक क्वेरी में डिटेल्स में भी हर एक पॉसिबिलिटी के साथ करवा रही हूँ. ऐसे नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैं एक बोलूँ चलो हो गया नहीं. आई एम शोइंग यू एवरी पॉसिबिलिटी इन दी क्वेरीज. जितना भी पॉसिबिलिटी है मैं आपको सारा पॉसिबिलिटी करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल्स. ओके सो अगर मैं सिंसियरली करवाती हूँ तो आपको भी उतना सिंसियरली ध्यान देना है, करना है, याद रखना है. एवरी स्टूडेंट्स ओके नॉट अ सिंगल स्टूडेंट. सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज एंड. एंड कंडीशन इज यूज्ड विद सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट टू टेस्ट टू और मोर कंडीशन इन एनी इंडिविजुअल क्वेरी. ओके हमने देखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल्स टू चेंबूर एंड सिटी इक्वल्स टू मुंबई. ओके मतलब जिसका एड्रेस चेंबू है एंड सिटी मुंबई है वैसे स्टूडेंट्स मुझे डिस्प्ले करवाना है. एंड मतलब क्या? दोनों कंडीशन मस्ट बी फुलफिल. एंड और मतलब क्या? द और कंडीशन स्पेसिफाई दैट इफ यू टेक टू आर मोर कंडीशन देन मोर ऑफ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल टू गेट रिकॉर्ड एज रिजल्ट. ओके एंड एंड और यू आर यूजिंग इन मैथ्स में यूज करते हो ना. एंड मतलब क्या? दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. और मतलब क्या? कोई भी एक सेटिस्फाई होगा तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे एंड एंड और का. बट दिस इज रिलेटेड टू कॉलम्स. ये कॉलम को रिलेटेड है. ठीक है कॉलम को रिलेटेड है. ओके एग्जांपल करके देखते हैं. लेट्स सी. ओके नाउ क्या हम लोग रिटर्न करवाते हैं? ओके चलो नाउ आई वांट टू रिट्राइव और आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स के जिसका एड्रेस चेंबूर है एंड मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 20 से ज्यादा है. ओके व्हाट कंडीशन आई वांट टू राइट? ये जिसका एड्रेस चेंबूर है एंड जिसका मार्क्स 20 से ज्यादा है. मार्क्स ग्रेटर देन 20. ओके तो वैसे ऐसे कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है चलो सिलेक्ट आई वांट टू रिट्राइव ऐसे रिकॉर्ड रिट्राइव करना है. select star from table name
where address equals to Chembur, जिसका एड्रेस चेंबूर है, एंड मार्क्स ग्रेटर देन 20. ओके, तो क्या हुआ, ओनली वन रिकॉर्ड इन डिस्प्ले हुआ, ओनली वन रिकॉर्ड. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द कंडीशन, हमारा कंडीशन क्या है कि जिसका एड्रेस चेंबूर है एंड मार्क्स ग्रेटर देन 20. तो एड्रेस तो चेंबूर टू स्टूडेंट्स का है, बट वन स्टूडेंट को मार्क्स 4 है, सेकंड स्टूडेंट को मार्क्स 25 है. तो दोनों कंडीशन फुलफिल कौन सा हो रहा है, ओनली ये रिकॉर्ड को लेके कंडीशन फुलफिल हो रहा है. तो ओनली दिस रिकॉर्ड इज डिस्प्ले. क्लियर? एंड लिखा मतलब क्या, बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल. अगर मैं सेम कंडीशन आई एम राइटिंग विद दी और के साथ मैं लिखूंगी तो मुझे दोनों मिलेगा. और नाउ आई एम राइटिंग और मार्क्स ग्रेटर देन 20. तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन राइट होगा तो भी वो डिस्प्ले करेगा. ओके, सी व्हाट इज द आउटपुट. आउटपुट क्या आ रहा है कि अभय, व्हाई अभय, बिकॉज उसका जो मार्क्स है ग्रेटर देन 20 से ज्यादा है. तो 20 से ज्यादा है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो भी उसका, अगर एड्रेस चेंबू नहीं है बट मार्क्स 20 से ज्यादा है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है. अजय का भी क्यों डिस्प्ले हो रहा है, उसका एड्रेस चेंबू नहीं है बट उसका मार्क्स क्या है, 20 से ज्यादा है. तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगा तो भी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, तो अजय का रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है. कोहिनूर का चेंबूर, एड्रेस इज चेंबूर, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है बट मार्क्स 20 से ज्यादा है, नो 20 से कम है, बट तो भी डिस्प्ले किया. व्हाई? बिकॉज वन ऑफ दोनों में से एक कंडीशन उसका ट्रू है. ओके, इरशाद. ओके, रोल नंबर 4, इरशाद का क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि उसका एड्रेस चेंबूर है एंड मार्क्स भी 20 से ज्यादा है, तो दोनों है फुलफिल. तो क्या, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और, मतलब क्या, जो कंडीशन हम लोग दे रहे हैं ठीक है, उसमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो रहा है तो भी रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्ले. एंड मतलब क्या, दोनों कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, दोनों एड्रेस चेंबूर होना चाहिए, मार्क्स भी 20 से ज्यादा होना चाहिए. तो एक वैसे एक ही रिकॉर्ड है, ओनली इरशाद. क्लियर? एंड और स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? एंड और, यस और नो? एंड और कंडीशन? ओके, एकदम इजी है. ओके, कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स. आपको सिंटैक्स याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है कि वेयर, हाउ टू राइट क्वेरी. ओके, कहाँ पे कैसे क्वेरी लिखोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली सिंटैक्स फॉलो होना चाहिए. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट नोट डाउन करे हो ना, आई होप सब लोग नोट डाउन करे हो. ओके, चलो नेक्स्ट इज, यस गुड. नेक्स्ट इज डिलीट क्वेरी. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिलीट क्वेरी. डिलीट क्वेरी इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अवर टेबल, ऑल रिकॉर्ड्स और पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, दोनों यू कैन डिलीट. ओके, इफ यू वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे तो सारा रिकॉर्ड्स चला जाएगा. ओके, इफ यू आर राइटिंग द वेयर कंडीशन तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड. ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम, तो ये पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग और कोई टेबल का डेटा डिलीट करके देखते हैं. हम लोग देखते हैं कौन से टेबल्स इसमें है, डेटाबेस में कस्टमर का है. चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट. ओके, चलो कस्टमर में इतना रिकॉर्ड है, आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इतना रिकॉर्ड है. नाउ आई वांट टू डिलीट रिकॉर्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड्स, मुझे ये सारा रिकॉर्ड्स टेबल में से डिलीट करना है, कस्टमर टेबल में से. तो व्हाट आई एम राइट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सी सॉरी टेबल नेम क्या है, CUST, कस्ट. अगे डिलीट फ्रॉम कस्ट हो गया. नाउ अगर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट, तो एम्प्टी सेट क्या आ गया, एम्प्टी सेट. व्हाई? क्योंकि हमने सारा रिकॉर्ड्स, वी हैव डिलीटेड ऑल द रिकॉर्ड्स. इफ यू वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, यू कैन राइट डिलीट फ्रॉम कस्ट. ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. इफ यू वांट टू डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है, तो यू हैव टू राइट द वेयर कंडीशन इन द डिलीट क्वेरी में. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और कोई टेबल में कोई रिकॉर्ड है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट के टेबल में क्या डेटा है देखते हैं. ओके, आईडी, मार्क्स है. नाउ आई वांट टू डिलीट ओनली वन रिकॉर्ड, डिलीट करना है कि जिसका आईडी 4 है, वैसे ही मुझे डिलीट करना है, वैसे ही रिकॉर्ड आई वांट टू डिलीट. तो व्हाट आई विल राइट,
delete from table name. What is the table name? Result. Delete from table name result where id equals to 4. कि जिसका id 4 है वैसे record मुझे delete करना है. हो गया. Now देखते हैं. Select star from result. हो गया delete. id number 4 is deleted. Why? Because हमने क्या दिया है? Delete from result where id equals to 4. जिसका id 4 है वही delete करना है. सब कुछ delete नहीं करना. If you want to delete all the records delete करना है तो simply you write the delete from table name. Delete from table name. So this is the difference between delete, मतलब delete from table name and delete with the particular condition के साथ. तो ये you can do like this. Okay. तो अगर आप table बनाए आपके database में table system में अगर आप delete from table name लिखोगे तो हर एक data delete हो जाएगा. तो ऐसे मत करो. Okay. नहीं तो आपको again you have to enter, आपको again उसमें data enter करना पड़ेगा. ठीक है. तो this is delete. Okay. This is delete query. Okay. Now next. The next query is like SQL like okay like like close. This is a close. Okay, what is this? देख लेते हम लोग. This is last. हम लोग last आज ये like close करते हैं. उसमें बहुत सारा combinations है वो हम लोग देखेंगे. तो this is last होगा हमारा. Then next new queries हम लोग next lecture में करेंगे. Because ज़्यादा एक साथ अगर मैं आपको करवाऊँगी तो you will get confused कि ये सब क्या है. तो हम लोग स्लोली स्लोली करेंगे. ठीक है. एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो नो प्रॉब्लम. चलो लाइक क्लोज. द एसक्यूएल लाइक क्लोज इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू सिमिलर वैल्यू यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स. ओके. देयर आर टू वाइल्ड कार्ड यूज इन कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेटर. अभी सुनो मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद द एग्जाम्पल के साथ. द परसेंटेज साइन एंड अंडरस्कोर साइज. The percentage size represent 0, 1 or multiple characters. जो percentage size है ना उसका मतलब क्या? 0, 1 or multiple characters. And the underscore size represent a single number or character. These symbols can be used as combination. देखते हम लोग. Okay, चलो. क्या है? Select from table name where column like XXX. Okay, मतलब pattern. If you want to display record based on pattern के बेस पर आपको डिस्प्ले करवाना है तो आप ऐसे क्वेरी लिख सकते हो. लाइक मतलब जिसका नेम बी से स्टार्ट हो रहा है वैसे रिकॉर्ड. इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले जिसका नेम के से स्टार्ट हो रहा है. ओके. जिसका एंड में के है या तो एंड में दिस वर्ड है या तो स्टार्ट में ये लेटर है. इसे पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले तो यू कैन यूज द लाइक क्लोज. ओके. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स के हुज नेम स्टार्ट विद द एस कैरेक्टर. जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है पी से स्टार्ट हो रहा है या तो जिसका सेकंड जिसका कैरेक्टर नेम जो है उसमें सेकंड कैरेक्टर एस होना चाहिए जिसमें सेकंड कैरेक्टर वाई होना चाहिए तो जिसमें लास्ट कैरेक्टर जेड होना चाहिए. ऐसे पर्टिकुलर कॉलम यू वॉन्ट टू डिस्प्ले सॉरी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे यू वॉन्ट टू डिस्प्ले रेकॉर्ड तो यू कैन यूज द लाइक एंड अंडरस्कोर. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे दोनों उन्होंने दिखाया हुआ है. वेर के साथ यू हैव टू यूज. ओके. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेर सैलरी लाइक 200. मतलब जिसका सैलरी में स्टार्टिंग जिसका 200 है आगे पीछे कुछ भी हो. ओके. 2 लाख कुछ भी हो बट जिसका स्टार्टिंग वेट 200 से होना चाहिए. ओके. तो जिसका सैलरी 200 से स्टार्ट हो रहा है वैसे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा. अदरवाइज The next possibility क्या है? Where select from table name where salary like percentage 200%. तो क्या इसका मतलब क्या? Find any values के data 200 कोई भी salary के जिसमें 200 साथ में आ रहा हो ऐसा आपको display करवाना है. हम लोग example से देखते हैं then you will get idea. Second क्या लिखा है? Select staff from table name where salary is a column name. Okay, what is the salary? It is a column name. Salary like underscore 00%. मतलब find any values that have 00 in the second and third position. Okay, second and third position. जिसमें 00 जो है वो second and third position में होना चाहिए. वैसा एक combination you can write. Then this is the second combination. क्या है? Next है. Where salary like 2% Find any values that start with 2 से स्टार्ट होना चाहिए एंड आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ. कितना कैरेक्टर्स होना चाहिए?
3 characters in length. The essay you can display, तो ये सारा भी practical practice करोगे तो याद होगा, ठीक है? ऐसे देखने से या तो करने से याद नहीं होगा. When you will do the practicals at your home, try different different condition, try करोगे तो आपको समझ में आएगा. Then find any value that end with 2%, percentage 2 लिखोगे तो कोई भी values के जो 2 से end हो रहा है. Okay, we can do like for names के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. इन्होंने salary column के लिए किया है, we can do with the name column के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. हम लोग करते हैं, मैं आपको भी करके दिखा रही हूँ. Find any salaries that have 2 in the second position and end with the 3. Okay, तो ये जो percentage जो है वो आपको क्या दिखा रहा है, position दिखा रहा है. Find any values in 5-digit number that start with the 2 and end with the 3. Okay, देखते हैं हम लोग. See, यहाँ पे एक table लिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है कि जिसका salary 200 से start हो रहा है वैसे record display करवाओ. Select star from customer where salary like 200. Okay, तो इसके लिए हम लोग हमारे table में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का टेबल हम लोग रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि उसमें वी हैव द एंट्रीज. सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं पहले. ओके, ये आ गया. नाउ मुझे ऐसा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है कि जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है. जिसका नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम, select star from table name. Okay, what is the query? Query क्या था? Select star from table name where column name. Okay, where column name मतलब हमारा name like. Okay, you have to write like. Okay, and space देना है. Okay, like हम लोग space दे रहे हैं. ए वाले 2 रिकॉर्ड से मैं ए आ गया. जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है वैसे रिकॉर्ड हमने लिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए परसेंटेज, मतलब जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है. ओके, आ गया. नाउ वन मोर हम लोग ट्राई करते हैं. वेर लाइक, जिसका आर से एंड हो रहा है. ओके, आर से एंड हो रहा है, तो आप परसेंटेज पहले लिखोगे एंड देन आर लिखोगे. ओके, आ गया कोहिनूर. ओके, मतलब परसेंटेज अगर फर्स्ट यू विल राइट परसेंटेज, तो मतलब क्या कि आर से एंड होना चाहिए. अगर पहले लेटर लिख रहे हो तो वो स्टार्ट होना चाहिए. तो लाइक ए, जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वैसे नेम डिस्प्ले हुआ, वैसे रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ अभय अजय. अगर स्टार लिख, हियर वी आर राइटिंग द स्टार, इसलिए सारा कॉलम्स आ रहा है. पर्टिकुलर कॉलम नेम दोगे तो पर्टिकुलर कॉलम नेम आएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने दिया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्हेन नेम लाइक परसेंटेज आर, मतलब आर से वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है. आर से एंड हो रहा है, तो आर से एंड होने वाला किस, इसमें से एक ही है, कोहिनूर. आर जिसका नेम आर से एंड हो रहा है तो वो डिस्प्ले हो रहा है. क्लियर? लाइक उसको क्या बोलते हैं, लाइक क्लोज. ओके, नाउ वन मोर वी विल ट्राई, और हम लोग ट्राई करते हैं. ओके, ये क्या है, ठीक है, ठीक है. अगर फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव 200 इन एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन पे चाहिए, ठीक है. तो हम लोग लिखते हैं इसमें सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम नेम के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे में नेम ही सुटेबल है. नेम लाइक, लाइक परसेंटेज क्या सेम है, एच ए वाई, ए वाई लिखे क्या, ठीक है. एक्चुअली हमारे में रिकॉर्ड्स ज़्यादा नहीं है ना, इसीलिए कि कहाँ पे भी अगर ए वाई है तो वैसे रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए. तो ए वाई दोनों में है. ओके, ये सब में कॉमन कौन सा लेटर है, वाई 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 आर, चलो आर हम लोग लिखते हैं. कोई भी उसमें अगर आर है, कोई भी पोजीशन पे अगर आर है तो डिस्प्ले करवाना है. ओके, परसेंटेज आर आ गया. जिसका नेम आर, तो कोहिनूर में आर है, इरशाद में आर है, तो कोई भी पोजीशन पे अगर आर है वैसे रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, तो यू कैन लाइक, यू कैन राइट द क्वेरी लाइक दिस. तो समझ में आ रहा है. ओके,
पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट करवाना है तो पहले आप लेटर लिखोगे, देन क्या करोगे, परसेंटेज करोगे. ओके, पर्टिकुलर लेटर से एंड होना चाहिए तो पहले आप परसेंटेज करोगे, देन आर लिखोगे, एंड आर से होना चाहिए. ओके, कोई भी पोजिशन पे इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले, कोई भी पोजिशन पे अगर है वो चेक करवाना है, कोई भी पोजिशन पे है वो आपको चेक करवाना है, तो यू कैन लाइक दिस, ऐसे आप लोग लिख सकते हो. आर आर ए वाई, कोई भी उसमें ए वाई है तो दिस इज अ लाइक क्लोज. क्लियर? लाइक क्लोज सबको? कोई डाउट है? कोई और मोर क्वेरीज ट्राई करना है? किसी को और लिखना है? एनीवन वांट टू ट्राई मोर क्वेरीज यूजिंग द लाइक से? कोई कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करना है किसी को? हाँ स्टूडेंट्स, चलो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस मैम. ओके, और कोई क्वेरीज किसी को ट्राई करके देखना है? मैम ऐसे लिखो वैसे लिखो, ये होगा कि नहीं, ऐसा कुछ ट्राई करना है आपका अपना कुछ लॉजिक बताना है तो टेल मी, मैं यहाँ पे क्वेरीज लिखती हूँ तो यू कैन ट्राई. यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग टू यू. ओके चलो, मार्क्स करें. हाँ हाँ, मार्क्स का करें. ठीक है चलो, क्या करना है मार्क्स का? हम लोग पहले टेबल डिस्प्ले करवाते हैं, एक मिनट. ओके चलो, क्या करवाना है मार्क्स पे, कैसे डिस्प्ले करवाना है? कैसे करवाए बताओ? चलो आप बताओ मुझे कॉम्बिनेशन, क्या आपको कैसे करवाना है, लाइक यूज करके व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले. मैं लिखूंगी क्वेरीज, बताओ. चलो जिसका मार्क 75 है उसको डिस्प्ले करवाना है तो वो यू कैन राइट विद दी वेयर कंडीशन से भी डायरेक्टली यू कैन राइट. ओके, आप डायरेक्टली वेयर कंडीशन से भी लिख सकते हो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 75, तो ये भी आप कर सकते हो. जिसका मार्क्स 75 वो डिस्प्ले करवा, वो भी हो गया. तो लाइक मतलब क्या, कि पर्टिकुलर से स्टार्ट करना है. ठीक है, पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट करना है, नंबर से स्टार्ट करना है, तो पर्टिकुलर लेटर से नंबर से एंड करना है, उस एट द टाइम यू कैन यूज द राइट लाइक. ओके, एट द टाइम आप क्या यूज कर सकते हो? लाइक कर सकते हो. बिकॉज अगर मुझे ऐसे लिखना है कि आई वॉन्ट टू रिटर्न द रिकॉर्ड्स कि हूज नेम स्टार्ट विथ ए, तो वो हम लोग वेयर कंडीशन में नहीं लिख सकते. ठीक है, उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? वेयर तो लिखना ही पड़ेगा, बट साथ में वेयर लाइक करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए करके देन परसेंटेज का साइन. क्लियर? समझ में आ रहा है? अपना एड्रेस हम लोग देखते हैं. ठीक है, कि जिसके एड्रेस में ना स्टार्टिंग सी एच है वैसे रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर एड्रेस जो है, वेयर एड्रेस स्टार्ट होना चाहिए, मतलब लाइक कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? सी एच से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट वी विल राइट दी सी एच, देन वी विल राइट दी परसेंटेज कॉलम. ओके सॉरी, परसेंटेज साइन. ओके, तो जिसका सी एच से स्टार्ट हो रहा है तो वैसे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गया. ओके ओके, जिसके एड्रेस में बी यू आ रहा है, ठीक है, जिसके एड्रेस में बी यू आ रहा है वैसे आपको डिस्प्ले करवाना है, तो वैसे भी आप लोग करवा सकते हो. वेयर एड्रेस लाइक क्या आना चाहिए? बी यू, एनी पोजिशन, कोई भी पोजिशन पे बी यू आना चाहिए, तो यू विल राइट लाइक दिस बी यू. ओके परसेंटेज, तो बी यू को, ये दो ही रिकॉर्ड्स में बी यू आ रहा है. ठीक है, एक्चुअली हमारे पास रिकॉर्ड्स कम है इसलिए हम लोग ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे, तो यू कैन यू विल एंटर मोर रिकॉर्ड्स इन योर टेबल देन ट्राई. ओके, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करो. यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिकॉर्ड्स है, वी हैव 124 रिकॉर्ड्स, तो ज्यादा कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं कर पा रहे, तो यू कैन डू इन योर सिस्टम्स में आप ज्यादा तरीके से कर सकते हो. ज्यादा रिकॉर्ड्स डालो, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स डालो एवरी टेबल में, तो आपको जितना भी कॉम्बिनेशन है उतना कॉम्बिनेशन यू कैन ट्राई. क्लियर स्टूडेंट्स? प्रैक्टिकल स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल है वो क्लियर है सबको? एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी क्वेरी? आज हमने क्या क्या पढ़ा? टुडे वी हैव लर्न दी ये सारा क्वेरीज हमने आज परफॉर्म करके देखा सी.
show database, use database, show tables, create database, create table, insert, alter, ठीक है, alter table, rename table नहीं देखा, but आज नहीं देखा, but already we have done the rename command, update, okay, आज new हमने कौन सा पढ़ा, update command today we have new command कौन सा पढ़ा, update, update के साथ बहुत सारा possibility हमने check किया, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, how to set multiple columns with the multiple condition के साथ we can set the tables data, वो हमने cover किया, that is very important था, where condition भी हमने देखा, distinct new हमने पढ़ा, okay, distinct is new for today के लिए, आज distinct भी new था, order by is also new, okay, order by query is also new for you, के ascending and descending order में कैसे करना है, and or that is also new for you, ये भी हमने देखा, और मतलब क्या, two condition must be fulfilled, and और मतलब क्या, one of the condition should be fulfilled, delete we have learned, okay, delete भी देखा हमने के how to delete all the records from the table and how to delete particular records from the table, that also we have learned, and next हमने पढ़ा like, okay, like close के particular column से आपको start करवाना है, particular character से start करवाना है, particular character से कोई end करवाना है, या तो middles में कोई भी records ऐसा combination base पे आपको return करवाना है, तो you can use the like close, okay, like close you can use, तो आज हमने इतना queries we have learned, in the next practical हम लोग और more queries देखेंगे, I hope के everyone understand today's queries, okay, so if anyone has any doubt they can ask, otherwise we will continue in the next lecture. Yes, you can ask. कोई क्वेरी है? Yes, yes. मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? आई विल अपलोड इन द गूगल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम में ये डाल दूंगी. सो आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है? आई विल अपलोड. डोंट वरी.